25 अगस्त को रिलीज हुई विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर में दूसरे दिन की कमाई बहुत नीचे जा रही है। पहले दिन की कमाई मैंने आपको बताई थी लगभग 33 करोड़ रुपए की कमाई रही थी वर्ल्ड वाइड। अब दूसरे दिन का क्या स्कोर है इसकी रिपोर्ट्स मेरे सामने आ चुकी हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस समय ये जो ओपनिंग रही है इसकी वो करीब 33 करोड़ 12 लाख रुपए की रही, लेकिन दूसरे दिन फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखी गई। पहले दिन देश में इसने 5 भाषाओं में महज 19 करोड़ रुपए का कारोबार किया, वहीं दूसरे दिन विजय देवरकोंडा की फिल्म ने सभी भाषाओं में सिर्फ 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया। लाइगर के शुक्रवार सुबह और दोपहर के शोज में भी फिल्म को हिंदी में बहुत खराब रिस्पॉन्स मिला। हालांकि मेकर्स को शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई की उम्मीद है। फिल्म के मेकर्स शुक्रवार को वर्किंग डे मान रहे हैं, हालांकि दूसरी तरफ उनकी चिंता की झलक भी साफ दिख रही है। असल में विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनी है और यही वजह है कि फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है। और उधर अनन्या पांडे पर नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा ने भी बॉयकॉट को लेकर अपना बयान दिया था। इसको लेकर फैंस ने उनकी फिल्म के बॉयकॉट का ऐलान किया था। पहले दिन तो बॉयकॉट का असर कम दिखा, लेकिन दूसरे दिन की कमाई जानकर अब लग रहा है ये फिल्म भी बॉयकॉट का शिकार हो गई है। मैं आपको बता दूं कि फिल्म लाइगर से विजय देवरकोंडा बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं, जबकि अनन्या पांडे इस फिल्म के जरिए तेलुगु सिनेमा में कदम रख रही हैं। इस फिल्म की घोषणा साल 2019 में की गई थी, बाद में लॉकडाउन हो गया इसलिए इस फिल्म को बनने में काफी वक्त लगा। साल 2021 में इसके नाम पर मुहर लगी थी और ये फिल्म पहले जानवी कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। बहरहाल अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दूसरे दिन की, उसमें साफ है कि लाइगर की कमाई में सीधे 50% का ट्रिप देखने को मिला है। सीधे 50% कमाई नीचे चली गई है। बॉयकॉट के चपेट में फिल्म आ चुकी है। देश की जनता इस समय करण जौहर और नेपो किड्स इनके विरोध में जुटी हुई है और इसका सीधा असर लाइगर में देखने को मिल रहा है। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि अनन्या पांडे ने इसमें बहुत खराब एक्टिंग की है। विजय देवरकोंडा के बारे में लोगों का कहना है कि उनकी एक्टिंग ठीक है, लेकिन अनन्या पांडे ने बहुत ही एक्सप्रेशनलेस फेस से इस फिल्म में काम किया है और यही वजह है कि उन्हें भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। कुल मिलाकर लाइगर के हिट होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे दिन ही फिल्म नीचे जा रही है और जैसा कि लग रहा था, अंदेशा था, इस फिल्म को भी बॉयकॉट किया जाएगा, तो इसे भी खुलकर बॉयकॉट किया जा रहा है।